So now our next topic is Dalton's atomic theory. अब यहाँ पे कि John Dalton है जिनकी मैंने फोटो इसीलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पे बहुत बार इनका नाम आगे रिपीट होने वाला है So इन्होंने atomic theory दी इन्होंने मतलब कुछ postulates दिए जैसे हमने chapter किया था का इन्हों मैं बार -बार मैं बार-बार की रेफरेंस दे रही जो कि मैं आगे जाके बंद कर बट अभी के लिए हमने उस एक चैप्टर में जिनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं सो अकॉर्डिंग टू डेल्टन अटोमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर एंड एलिमेंट अर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम So, उनके एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने बोला कि जितने भी मैटर है मैटर क्या होता है हमारे आसपास जितनी भी चीजें सब मैटर है चैप्टर वन किया ही है मैटर अराउंड सो जी वेदर एंड एलिमेंट वो कह रहे हैं चाहे कोई एलिमेंट हो चाहे कोई कंपाउंड हो चाहे कोई मिक्सचर हो इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच इज वेरी ट्रू जब हमने देखा है एटम हमारा क्या होता है

एटम बोल रहे हैं मतलब वो बोल रहे एटम्स आपस में कंबाइन हो गए कोई भी मैटर बनाती है क्लियर है आगे देखो सेकंड पॉइंट है एटम्स आर पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय केमिकल रिएक्शन अब वो कह रहे हैं जो एटम्स है पहली चीज तो वो इनडिविजिबल है उसको आप फर्दर डि या उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते ऑल्सो वो कह रहे हैं ना तो उनको आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो केमिकल रिएक्शन रिएक्शन में जब केमिकल अगर का करा रहे हो तो आप उनको अलग नहीं कर सकते ठीक है जी ना तो आप नया बना सकते हो और ना ही उनको अलग कर जैसे हमने मास के बारे में पढ़ा कि उसका जो मास है वो कंजर्व रहेगा ना तो वो आपको मास बढ़ा सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो सेम यही चीज वो एटम के लिए बोल रहे कि आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पॉइंट एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मासिमेंट एलिमेंट हमने क्यों समझा था हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था ना एलिमेंट होता है जैसे कि ओ थ्री है यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन के तीन आइटम्स ने मिलकर ओजोन बनाया तो वो कह रहे हैं एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट कंपाउंड की बात नहीं हुई एलिमेंट की बात हुई है आर आइडेंटिकल वो सेम होंगे जैसे यहाँ पे जी क्या है ओ प्लस ओ प्लस ओ अब ये जितने भी यहाँ पे हमारे पास एटम्स है ये तीनों एटम्स क्या होंगे आइडेंटिकल होंगे मास में मतलब उनका मास सेम होगा जैसे अब ऑक्सीजन है तो हमें पता है उसका एटॉमिक मास 16 यू होता है तो इन तीनों का 16 यू होगा मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और इन तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी एक्जैक्टली सेम होगी यहाँ पे हम एलिमेंट की बात करें नेक्स्ट है Atoms of different elements, अब अलग -अलग elements की अगर हम एटम की बात करें देव डिफरेंट मास अलग अलग की उसकी बात करोगे तो ऑफकोर्स वो अलग होंगे उन हर किसी का एटॉमिक मास अलग होता है तो उनका मास अलग होगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी ठीक है नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म Compound. अब वो कह तो हाइड्रोजन के दो एटम्स मिल रहे हैं और ऑक्सीजन का एक एटम मिल रहा है तो वो कह रहे हैं जब भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन की या तो दो है या तीन होंगे या चार होंगे या पांच होंगे या छे होंगे कितने भी हो सकते हैं लेकिन ऐसे होल नंबर में होगा ऐसा नहीं हो सकता कि जी हाइड्रोजन 2.5 के हाइड्रोजन एटम्स आएंगे और ऑक्सीजन के 1.5 एटम्स ऐसा ऐसा नहीं होगा, fraction, decimal, ऐसा कुछ नहीं होगा होगा फ्रैक्शन डेसिमल कुछ सिंपल होल में होंगे दो हाइड्रोजन के तीन हाइड्रोजन के चार हाइड्रोजन के जितने भी मतलब एक्स वाई सी तो लेकिन एक होल नंबर में होगा ठीक है और ये जो रेशियो है इसका ध्यान रखना है यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि ये रेशियो जो हमने लॉ ऑफ अभी कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन किया था वो जो रेशियो था वो जो प्रपोर्शन था वो कैसी बात हो रही थी वो मास की बात हो रही थी यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, जैसे इसका अगर हम रेशियो देखें तो ये टू इज टू वन है दो हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का आटम ठीक है नंबर की बात हो रही है नेक्स्ट है लास्ट इसमें है, हमारे पास द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड अब वो कह रहे हैं किसी भी कंपाउंड में अगेन जैसे ये है इस कंपाउंड में जो एटम की काइंड है और उसका रिलेटिव नंबर सेम होगा मतलब हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक ये सेम रहेगा ऐसा नहीं ऑक्सीजन के दो और हाइड्रोजन का एक मिलके एच टू ओ बना देगा नॉट पॉसिबल हाइड्रोजन अगर दो है तो वो दो ही रहेगा ऑक्सीजन का अगर एक है तो एक ही रहेगा सिमिलरली हमारे पास है सी आई लाइक दिस अगेन तो जी सीओ टू की मतलब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे कार्बन एक और ऑक्सीजन दो यही रहेगा ऐसा नहीं हो सकता कार्बन दो या ऑक्सीजन एक हो जाए या कार्बन चार ऑक्सीजन छ हो जाए ऐसा नहीं होगा सीओ टू मतलब सेम ही रहेगा ठीक है सो ये था जी डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी यहाँ पे छह पॉस्टि थे वो हमने पढ़ लिए आगे बढ़ते हैं अब है हमारे पास टॉपिक व्हाट इज एन एटम